इस कार्यक्रम को जिन सब लोगों ने मिलकर के सफल बनाने का प्रयास किया है, वैसे श्री मुकुंद पुरोहित जी, श्री अजीत सोमेश्वर जी, श्री रमेश चौटाई जी, भाई अनिल शाह जी और भी कई लोग होंगे शायद जिनके नाम मुझे स्मरण नहीं होंगे, और वहां उपस्थित सभी मेरे भारतवासी भाई और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान जो ज्ञान के प्रकाश को पहुंचाने के लिए सदियों से पहचाना जाता है, उसी धरती से आज मैं आप सबसे संवाद करने के लिए भाग्यवान हुआ हूं। पूर्व का ज्ञान का यह प्रकाश कल सुबह तक आपको पहुंचेगा, और उस अर्थ में अगर मैं अभी शुभ प्रभातम कहूं तो आपके लिए यह शुभ प्रभातम कल सुबह होगा। मैं इस मंच से प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल हार्पर का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन दैट बिफोर फ्यू डेज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हार्पर हैज डिक्लेयर्ड दैट देयर विल बी ए ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर्स ऑफिस इन गुजरात। आई वेलकम दिस इनिशिएटिव एंड गुजरात इज नोन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। Trade and commerce is in a genetic system of the Gujaratis. The people, those who are living in Canada and those who are connected with the global business, I am sure because of this new arrangement, Gujarat and Canada both will come to nearer and we all try to reach the global community as far as trade and commerce is concerned. मैं श्रीमान हरिंदर खट्टर जी से भी उनका अभिनंदन करता हूं कि आज वो समय निकाल करके गुजरात की बात सुनने के लिए हमारे बीच आए, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने उद्बोधन में विकास की चर्चा की, गुजरात का उल्लेख किया, मैं अरविंदर जी का भी बहुत आभारी हूं। आप सब जानना चाहते होंगे आज देश में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है, विकास के नए आयाम को गुजरात छू रहा है, आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयों को गुजरात ने प्राप्त किया है, और गुजरात एक प्रकार से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। और ये चर्चा सब दूर है, अगर आप प्लानिंग कमीशन में जाएं तो भी ध्यान में आएगा। मैं एक मोटा मोटा आपको जरा ब्यौरा देना चाहता हूं। भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक परंपरा है, प्लानिंग कमीशन है जो फाइव ईयर प्लान बनाता है। अब तक देश में 10 फाइव ईयर प्लान का अमल हो चुका है, 11th फाइव ईयर प्लान चल रहा है। गुजरात में 9 फाइव ईयर प्लान जो हुए, इन 9 फाइव ईयर प्लान में टोटल प्लानिंग था 52,000 करोड़ रुपीस का। 10th फाइव ईयर प्लान जो 2001 से 2006 तक था, और उसी समय मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते कार्य का दायित्व मिला था, टोटल 9 फाइव ईयर प्लान का हमारा बजट एलोकेशन था
52,000 करोड़, जबकि 10th फाइव ईयर प्लान का अकेले का 47,000 करोड़। और वहां बस रहे मेरे सभी भारतीय भाई गौरव करेंगे, 11th फाइव ईयर प्लान जो अभी चल रहा है उसका हमारा प्लान साइज है 1,00,000 करोड़ रुपया। आप अंदाज कर सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाइयों, कितनी तेजी से विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, एशिया के किसी देश का विकास दर जीडीपी डबल डिजिट नहीं है। आज एशिया के सब देशों से भी गुजरात का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। हम करीब करीब 11% ग्रोथ रेट से आज विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत का भी विकास दर 7% 8% के इर्द गिर्द रहता है, उसकी तुलना में गुजरात का विकास दर 11% करीब करीब, और हम उसे भी आगे ले जाना चाहते हैं। ये कैसे संभव हुआ है? एक बात तो साफ है कि मेरे 5.5 करोड़ गुजरातियों का परिश्रम उसमें बहुत बड़ा कारण है। उनकी मेहनत, उनकी ग्लोबल पर्सपेक्टिव को समझने का उनका सामर्थ्य, बदलते हुए आर्थिक आयामों को समझ करके अपनी रणनीति को बदलने का उनका अनुभव, इन सारी चीजों का तो बहुत बड़ा योगदान है ही है। लेकिन सरकार जो कि नीतियों के आधार पर चलती है, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, लिबरलाइजेशन इन ट्रू स्पिरिट, और मैं तो कहता रहा था गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस, ये सारी बातें जो आमतौर पर हमारे देश में बोली जाती हैं, और जहां जहां इकोनॉमी के डेवलपमेंट की चर्चा होती है इन सारे पहलुओं की चर्चा होती है, लेकिन गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जिसने इसको धरती पर उतारा है। मित्रों, आपने रेलवे की जब चर्चा आती है तो वहां जो मेरे देशवासी बैठे हैं उनको मालूम है, रेलवे यानी भारत सरकार की जो रेलवे चलती है वो रेलवे। आपको जानकर के आनंद होगा, गुजरात अकेला राज्य ऐसा है कि जहां पर प्राइवेट रेलवे भी है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने इस काम को किया है और आगे भी हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में गुजरात पहला राज्य है जिसने पोर्ट सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन का इनिशिएटिव लिया। 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा, छोटे मोटे 42 पोर्ट्स डेवलप करने का एक बहुत बड़ा अभियान और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमने किया। बहुत तेजी से आज गुजरात का समुद्र किनारा भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बनकर के उभर रहा है। और एक समय था जब हमने सोचा था कि गुजरात के 1600 किलोमीटर के समुद्र किनारे को हम बंदरों को बनाएंगे, लेकिन हमने देखा ग्लोबल इकोनॉमी की जब चर्चा चल रही है तब, ग्लोबल मार्केट की चर्चा चल रही है तब, आर्थिक रूप से विश्व एक इकाई बन गया है तब, हमने हमारी व्यूहरचना बदली और हमने सिर्फ बंदरों का विकास नहीं, लेकिन हमने व्यू ही अपनाया पोर्ट लेड डेवलपमेंट। बंदर तो विकसित हो लेकिन बंदरों के आधारित विकास हो, और इसीलिए गुजरात ने बहुत बड़े नए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा खाका खड़ा कर दिया है। पोर्ट होगा, पोर्ट के साथ एसईजेड होगा, एसईजेड के साथ कोल्ड स्टोरेज की चेन्स होंगी, उसके साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट की चेन्स होगी, उसके साथ रेल और रोड के लिंकेजेज होंगे, यानी पूरी तरह होलिस्टिक अप्रोच के साथ, इंटीग्रेटेड व्यू रचना के साथ हमने विकास की एक नई धारा बनाई है। आज हिंदुस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की चर्चा हो रही है, विदेश के इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुविधाजनक रहता है, टैक्सेशन के, लेबर के करीब करीब आपको वैसा ही लगेगा जैसे आप जिस देश से आ रहे हैं उसी देश में काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी विश्व के टॉप मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुकूल जो हो उस प्रकार का निर्माण किया जा रहा है।